क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, ठीक है 20 नंबर देखते हैं। इसको भी वाई मान लो, माना वाई बराबर दिया है कॉट रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स। चलिए इसको लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक एक करके सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे देखो पहले तो डिफरेंशिएशन कॉट है, तो कॉट का कर लेंगे, कॉट रूट अंडर वन रूट अंडर कॉस रूट एक्स, ठीक है किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो यह रेस्पेक्ट में होगा रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर डिफरेंशिएशन होगा कॉस रूट एक्स का, कॉस रूट एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपका कॉट है तो माइनस का कॉसेक हो जाएगा ना, माइनस का कॉसेक स्क्वायर रूट अंडर कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स के फॉर्म में, तो वन बाई टू रूट एक्स, ठीक है। और कॉस का माइनस का साइन, माइनस का साइन रूट एक्स है तो रूट एक्स, और रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे ही, चलो भैया देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ऊपर देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा साइन रूट एक्स ये वाला, और फिर ये है कॉसेक स्क्वायर रूट अंडर कॉस रूट एक्स, और बटा में देखो यह दो दोनों चार रूट एक्स में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स इंटू में कॉस रूट अंडर कॉस रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए?